Our today's topic is procedure of oral administration. Enteral drug administration. Enteral drug administration का मतलब होता है giving medication which is absorbed through the gastrointestinal tract. ठीक है, अगर जो medication है gastrointestinal tract के through absorb होती है तो that is called as enteral drug administration. The delivery of any medication that is absorbed through the gastrointestinal tract. तो इसमें mainly जो medication GI tract से absorb होती है that is oral medication. ये हमने पहले भी कर लिया है topic. Oral medication can be by injection directly उसको swallow कर लेंगे या तो sublingual administration होगी. Sublingual administration में अंडर द टंग मेडिकेशन को रखते हैं. लिंगुअल हो गया, लिंगुआ बोलते हैं टंग को. सब मतलब बिलो द टंग. द मेडिकेशन शुड बी प्लेस्ड बिलो द टंग एज शोन हियर. एंड बक्कल एडमिनिस्ट्रेशन. बक्कल एडमिनिस्ट्रेशन में द मेडिकेशन शुड बी प्लेस्ड बिटवीन द चीक एंड द गम एज शोन हियर. यहाँ भी रख सकते हैं, साइड में भी रख सकते हैं. गम और चिक्स के बीच में जो स्पेस होता है इट इज एब्जॉर्ब फ्रॉम देयर. तो दीज सबलिंगुअल और जो बक्कल मेडिकेशन हम एडमिनिस्टर करते हैं दैट शुड नॉट बी स्वेलोड. After that, nurse's responsibility in the administration of oral medication. Preliminary assessment. ठीक है, medication से पहले क्या क्या assessment करनी है. Patient का diagnosis check करना है, age check करनी है, purpose of medication, check the purpose of medication कि patient को क्यों वो medication दे रहे हैं. Check the identification of the client. ठीक है, ताकि right client को आप right medication दे पाओ. तो the name of the patient or bed number of the patient. Check the physician order for the correct name of the drug. Physician order check करना है, नाम check करना है drug का, doses क्या prescribe की है और method of administration. Method of administration मतलब orally बोला है, IV बोला है, IM बोला है. तो method of route of administration भी check करना है. Check the nurse's record for the time at which the last dose was given. जो रिकॉर्ड है, नर्सिस रिकॉर्ड है, उसमें चेक करना है लास्ट टाइम पेशेंट को मेडिकेशन कब गई है ताकि पेशेंट को ओवरडोज ना हो जाए या कोई ओमिशन ना हो. एंड चेक द सिम्टम ऑफ ओवरडोजेस ऑफ द ड्रग एडमिनिस्टर्ड ड्यू टू द क्यूमुलेटिव इफेक्ट ऑफ द ड्रग. क्यूमुलेटिव इफेक्ट ड्रग का वो इफेक्ट होता है जब किसी पर्सन को रिपीटेड एडमिनिस्ट्रेशन की जाए ड्रग की तो वो कुछ इफेक्ट कॉज करता है. जैसे कि चेकिंग द पल्स रेट बिफोर गिविंग द डिजॉक्सिन. डिजॉक्सिन देने से पहले पल्स रेट चेक करना. एंड कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन चेक करना है कि पेशेंट को कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन तो नहीं है. जैसे कि पेशेंट को नोजिया, वॉमिटिंग, डिलीरियम, पेशेंट अनकॉन्शियस तो नहीं है. नेगेटिव एटीट्यूड ऑफ क्लाइंट टू द इनटेक ऑफ मेडिसिन कि पेशेंट कहीं ऐसा तो नहीं सोचता कि आप उसको गलत मेडिसिन दे रहे हैं, नेगेटिव एटीट्यूड है. तो वो सारी चीज़ें चेक करनी है. चेक फॉर करेक्टर ऑफ द ड्रग दैट इज वेदर इट कैन बी टेकन सेफली बाय द ओरल मेथड और बाय द अदर मेथड, है ना. क्योंकि कुछ जो ड्रग्स होते हैं अगर मतलब उनको ओरली हम लेंगे, है ड्रग ऐसा सबलिंगुअल ड्रग है बट हमने क्या कर दिया, वो ड्रग स्वालो कर दिया, है ना. तो जो गैस्ट्रिक म्यूकोजा है तो इट decreases the action, it will destroy the action of the drug. ठीक है, तो drug को वो destroy कर देता है. तो character of drug भी check करना है कि इस ये drug कौन से route के through ज़्यादा effective रहेगा. Check the form of drug available and the correct method of the administration. Presence of oral and esophageal lesion, है ना, check करना है patient को कोई oral lesion या esophageal lesion तो present नहीं है. Check for the consciousness of the client, क्योंकि अगर person unconscious होगा और उसको आप oral medication swallow करने के लिए दे रहे हैं तो it may go into the respiratory tract. ठीक है, एंड एबिलिटी टू फॉलो द इंस्ट्रक्शन. चेक द एबिलिटी एंड लिमिटेशन इन स्वेलोइंग द मेडिकेशन. एंड चेक द आर्टिकल अवेलेबल इन द क्लाइंट यूनिट की पेशेंट यूनिट में क्या क्या आर्टिकल अवेलेबल है. आफ्टर दैट द आर्टिकल क्या क्या, जब ओरल मेडिकेशन पेशेंट को देनी है तो क्या क्या
आर्टिकल्स होने चाहिए। अ ट्रे कंटेनिंग अ बाउल ऑफ क्लीन वाटर, ठीक है। क्लीन वाटर क्यों चाहिए आपको? टू वॉश द मेडिसिन ग्लास। आउंस ग्लास चाहिए अगर जो मेडिसिन है इट इज़ इन द लिक्विड फॉर्म, ठीक है, लिक्विड फॉर्म में है। आउंस ग्लास, मिनिम ग्लास, टी स्पून, ड्रॉपर एक्सेट्रा शुड बी यूज टू मेजर द मेडिकेशन। इन केस ऑफ लिक्विड मेडिकेशन, सिरप है, लिक्विड फॉर्म में है मेडिकेशन। ड्रिंकिंग वाटर, एक ग्लास में ड्रिंकिंग वाटर चाहिए टू ऑफर द क्लाइंट आफ्टर द मेडिसिन इज गिवन टू हिम, है ना। जब पेशेंट को मेडिसिन दे देंगे उसके बाद पेशेंट को पानी ऑफर करना है, पहले भी ऑफर करना है, एक सिप पहले बोलेंगे पेशेंट को पीने के लिए, बाकी बाद में। मोर्टार एंड पिस्टल, मोर्टार एंड पिस्टल क्यों चाहिए? अगर जो पाउडर है, सॉरी, जो मेडिसिन है वो ग्राइंड करनी है, पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करनी है। अगर पेशेंट को एनजी ट्यूब डली है, ठीक है, तो एनजी ट्यूब में आप डायरेक्टली मेडिसिन को नहीं डाल सकते, तो इसके लिए जो मेडिसिन है उसको क्रश करना पड़ेगा। तो फॉर दैट मोर्टार एंड पेस्टल, मेडिसिन स्लैब और स्पैचुला टू डिवाइड द पाउडर ड्रग इनटू अ सिंगल डोज। डस्टर और टावल टू वाइप आउटसाइड ऑफ द बॉटल, अगर जो लिक्विड मेडिकेशन की बॉटल है जब मेडिसिन उसे निकालेंगे तो मेडिसिन थोड़ा सा बॉटल की टिप से नीचे आ सकती है ना, तो उसको क्लीन करने के लिए, साफ करने के लिए। किडनी ट्रे, और क्यों चाहिए टावल? पेशेंट के शोल्डर के ऊपर रखने के लिए ताकि पेशेंट का स्पिलिंग ना हो। किडनी ट्रे एंड पेपर बैग टू डिस्कार्ड द वेस्ट। प्लास्टिक मेजरिंग कप एंड सूप फल कप टू टेक द मेडिकेशन टू द इंडिविजुअल क्लाइंट एंड मेडिकेशन कार्ड। हर एक जो प्रोसीजर है उसमें डॉक्यूमेंटेशन कार्ड होना चाहिए, और अगर मेडिसिन का प्रोसीजर है तो मेडिकेशन कार्ड, ठीक है। ये एक कार्ड होता है जिसमें पेशेंट का नाम लिखा होगा, एज, डायग्नोसिस, ठीक है, बाकी टैबलेट के बारे में, मेडिसिन के बारे में लिखा होगा, नेम ऑफ मेडिसिन, डोज, रूट, टाइम, एक्शन, नर्सिस रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है, टाइम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन और डेट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, और नर्सिस साइन, मतलब जो उस मेडिकेशन को देगा उसके साइन होंगे उसमें, ठीक है। तो ये सारा कुछ मेडिकेशन कार्ड के ऊपर लिखा होता है। टू राइट द मेडिकेशन ऑर्डर फॉर द क्लाइंट ऑर्डर शीट। आफ्टर दैट प्रिपरेशन ऑफ द क्लाइंट, क्लाइंट की क्या क्या प्रिपरेशन करेंगे? एक्सप्लेन द प्रोसीजर टू द क्लाइंट, पेशेंट को प्रोसीजर एक्सप्लेन करना है, एंड असिस्ट द क्लाइंट टू द सिटिंग पोजीशन, है ना। जब भी ओरल मेडिकेशन देनी है पेशेंट को सिटिंग पोजीशन देनी है, अगर पेशेंट बैठ सकता है, अगर बैठ नहीं सकता है तो लेटरल पोजीशन देनी है, ठीक है। लाइंग डाउन पोजीशन कभी नहीं देनी है बिकॉज ड्रग में एस्पिरेट, ठीक है। तो हमेशा या तो सिटिंग पोजीशन देनी है या तो लेटरल, अगर पर्सन बैठ नहीं सकता है तो लेटरल पोजीशन दे सकते हैं, मतलब जो पर्सन है एक साइड में वो लेट जाएगा, लेफ्ट या तो राइट साइड में वो लेट जाएगा, ताकि उसको एस्पिरेशन ना हो। जो फ्लूड है, मेडिसिन है, ड्रग है, वो रेस्पिरेटरी ट्रैक में एस्पिरेट ना हो। अनलेस कॉन्ट्राइंडिकेटेड रेज द हेड एंड ऑफ द बेड विद द एक्स्ट्रा पिल्लो, है ना। अगर पर्सन बैठ नहीं सकता है तो पेशेंट का हेड एंड को रेज कर सकते हैं पिल्लो की हेल्प से, या जिसकी जिससे पर्सन को प्रॉप्ड अप पोजीशन प्रोवाइड हो जाएगी, थोड़ा सेमी फाउलर जैसी पोजीशन उसको प्रोवाइड हो जाएगी। गिव अ माउथ वॉश इफ नेसेसरी, एंड इफ द मेडिकेशन इज इल टेस्टिंग, अगर मेडिसिन का टेस्ट अच्छा नहीं है तो पेशेंट के लिए लेमन जूस भी मंगवा सकते हैं, प्रिपेयर कर सकते हैं, ताकि मेडिसिन खाने के बाद उसके मुंह में अच्छा टेस्ट आए। प्रोटेक्ट द बेड क्लॉथ एंड द गारमेंट विद द टावल प्लेस्ड अंडर द चिन अक्रॉस द चेस्ट, है ना। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि एक टावल हम पेशेंट की चेस्ट के ऊपर प्लेस करते हैं ताकि पेशेंट के गारमेंट्स प्रोटेक्ट रहें, क्लॉथ उसके खराब ना हो। After that, the steps of procedure. First is wash hand. Before any procedure, you have to wash your hand to prevent the cross infection. Read the physician order and compare it with the medication card. जो डॉक्टर ने प्रिस्क्रिप्शन दिया होगा वो चेक करना है, और उसको मेडिकेशन कार्ड जो आपने खुद प्रिपेयर किया है उसके साथ कंपेयर करना है, एंड मेक श्योर दैट ऑल द मेडिसिन आर कॉपीड करेक्टली, है ना। सारी जो मेडिसिन है वो अच्छे से कॉपी करती है।
Then next is after reading the medicine card, take the appropriate medicine from the shelf. जहाँ पे medicine रखी होती हैं वहाँ से proper medication लेनी है, medication card check करना है, उसके बाद proper medication लेनी है और compare करना है उसको medication card के साथ. Check the name of the medication, chemical name, expiry date of the medication and the color of the medication. एंड विद द मेडिकेशन कार्ड इन साइट मेयर द मेडिकेशन, है ना, मतलब मेडिकेशन कार्ड को भी नज़र रखते हुए मेडिकेशन मेज़र करनी है. अगर लिक्विड मेडिकेशन है, मैंने आपको फार्मूला बता दिया है, कैलकुलेट करनी है डोज उसकी. अगर कैलकुलेशन है तो कैलकुलेट डोज इफ नेसेसरी. रीचेक द मेडिसिन बॉटल विद द मेडिकेशन कार्ड द सेकेंड सेफ्टी चेक. ठीक है, जैसे 3 चेक्स करते हैं और 10 राइट्स हैं ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के, तो वो सारी चीज़ें चेक करनी है. आफ्टर दैट टेक द मेडिकेशन एज फॉलो, शेक द टैबलेट एंड कैप्सूल इन टू द लीड ऑफ द कंटेनर फर्स्ट. जो जहाँ पे जिस कंटेनर में मेडिसिन को ये कैप्सूल या टैबलेट को पोअर करना है उसको मतलब हाथ से टच नहीं करना है, डायरेक्टली कंटेनर में शेक कर देना है, डाल देना है. एंड देन इनटू द मेडिकेशन कप, और जिस कप के थ्रू फिर मेडिकेशन देनी है आपने पेशेंट को उसमें उसको डालना है. टेक द रिक्वायर्ड नंबर, डू नॉट टच विद द हैंड, है ना. ये किस लिए, क्योंकि हाथ कंटेमिनेटेड हो सकता है, मेडिकेशन को हैंड से टच नहीं करना है, डायरेक्टली उसको शेक कर देना है कंटेनर में, फिर कंटेनर से उसको मेडिकेशन कप में पोर करना है. एंड शेकिंग द मेडिकेशन इनटू लीड ऑफ द कंटेनर प्रिवेंट द ड्रग फ्रॉम कमिंग इन कंटेक्ट विद द हैंड. ये सारे ये स्टेप्स हैं, दीज आर द रेशनल रीजन की ये स्टेप हम क्यों कर रहे हैं, क्या होगा इस स्टेप को करने से. आफ्टर दैट अगर लिक्विड मेडिकेशन है तो उसको साइड ऑफ बॉटल से, मतलब जिस साइड को उस मेडिकेशन लिक्विड मेडिकेशन पे लेबल लिखा हुआ है, नाम लिखा हुआ है, उस साइड से पोर नहीं करना है, उसके अपोजिट साइड से पोर करना है ताकि उसका नाम खराब ना हो. एंड वाइप द माउथ ऑफ द बॉटल. जब मेडिकेशन को पोर कर दिया उसके बाद मेडिकेशन जो मतलब लिक्विड मेडिकेशन का कैप है, बॉटल है, बॉटल है, माउथ है उसका, उसको वाइप करना है, साफ करना है एंड रिटर्न द कंटेनर इन टू द सेल्फ अगेन. तो ये कुछ स्टेप्स हैं. आफ्टर दैट नेक्स्ट स्टेप इज प्लेस द कार्ड विद मेडिकेशन ऑन द ट्रे, है ना. जो मेडिकेशन सॉरी जो ट्रे है उसमें कार्ड को भी डाल देंगे. नो मेडिकेशन शुड बी कैप्ट विदाउट मेडिकेशन कार्ड. प्रिपेयर ईच मेडिकेशन इन टू सेपरेट कंटेनर. अगर एक से ज़्यादा मेडिसिन्स हैं तो उनको अलग अलग कंटेनर में पोर करना है, डालना है. डू नॉट मिक्स द मेडिसिन. लॉक द मेडिसिन कैबिनेट एंड टेक द मेडिसिन टू द बेड साइड. जहाँ से मेडिसिन आपने निकाली है उसको लॉक लगा देना है और जो ट्रे है उसको पेशेंट तक आपने लेके जाना है. फिर क्या करेंगे, आइडेंटिफाई द क्लाइंट. राइट क्लाइंट को राइट मेडिसिन देनी है ना. सबसे पहले क्लाइंट आपने आइडेंटिफाई करना है, ठीक है. उसका नाम आपने बोलने के लिए बोलना है पेशेंट को. एंड रीड द नेम ऑन द डोर और एट द बेड साइड. कॉल कैसे कैसे मतलब उसका आइडेंटिफाई कर सकते हैं हम. कॉल द क्लाइंट बाय नेम इन अ क्वेश्चनिंग वॉइस टू गेट अ रिस्पॉन्स, ठीक है. अगर जब पेशेंट के पास आएंगे तो उसका नाम लेके आपने उसको कॉल करना है, बोलना है, या तो उसके जो फिजिशियन जो मेडिकेशन कार्ड है उसके साथ उसको क्रॉस मैच करना है, या पेशेंट को आप उसका नाम रिपीट करने के लिए बोल सकते हैं वेरीफाई आइडेंटिफिकेशन विद स्टाफ मेंबर हु नोज द क्लाइंट. तो ये मेथड है क्लाइंट आइडेंटिफिकेशन के, ठीक है. रेशनल आपने खुद पढ़ना है. एडमिनिस्टर मेडिसिन. आफ्टर दैट मेडिसिन कैसे, मेडिसिन ट्रे में डाली होगी, ट्रे में क्या क्या है. क्लीन नीट एंड क्लीन ट्रे कंटेनिंग मेडिकेशन कार्ड, मेडिसिन, ग्लास ऑफ वाटर और टावल एंड पेपर बैग टू डिस्कार्ड द वेस्ट, ठीक है, एंड अ ग्लास ऑफ वाटर. ये सारी चीज़ें मतलब आपने एक ट्रे में रखनी है. आफ्टर दैट एडमिनिस्टर मेडिसिन, गिव द वाटर और फ्लू टू मॉइस्टन द माउथ. जब पेशेंट के पास गए सबसे पहले पेशेंट को आपने
पेशेंट के चेस्ट के ऊपर टॉवल प्लेस करना है. आफ्टर दैट गिव द वाटर और फ्लू टू मॉइस्टन द माउथ, है ना. पेशेंट को एक सिप पानी पीने के लिए बोलना है ताकि उसका माउथ थोड़ा मॉइस्चर हो जाए. इट हेल्प इन द स्वेलिंग ऑफ द सॉलिड मेडिसिन. आफ्टर दैट एक मेडिसिन एक टाइम पे देनी है, मतलब दो तीन मेडिसिन इकट्ठे पेशेंट को खाने के लिए नहीं बोलना है. गिव मेडिकेशंस वन एट अ टाइम. और जब तक पेशेंट उसको स्वेलो नहीं करता है तब तक पेशेंट के साथ ही रहना है. आफ्टर दैट चेक द क्लाइंट माउथ, है ना. जब पेशेंट स्वेलो कर लेगा उसके बाद पेशेंट का माउथ चेक करना है कि पेशेंट वेरीफाई करने के लिए कि पेशेंट ने रियली में मेडिसिन स्वेलो की है या नहीं की है. क्योंकि कई बार पेशेंट क्या करता है, स्वेलो तो कर देगा, बस सलाइवा स्वेलो करेगा, मेडिसिन को मुंह में रखेगा, है ना. तो उसके लिए पेशेंट को माउथ ओपन करने के लिए बोलेंगे, जीभ ऊपर करने के लिए बोलेंगे, ताकि पेशेंट का आप माउथ चेक करो कि पेशेंट ने स्वेलो की है मेडिसिन या नहीं की है. आफ्टर दैट प्रोवाइड वाटर टू ड्रिंक आफ्टर द मेडिसिन आर एडमिनिस्टर्ड एंड प्लेस द आउंस ग्लास इन द बाउल ऑफ वाटर. दिस इज ऑल अबाउट द प्रोसीजर एंड इट इज इम्पॉर्टेंट आफ्टर केयर ऑफ द क्लाइंट, है ना. जब प्रोसीजर हो गया उसके बाद क्या करेंगे, रिमूव द टावल एंड वाइप द फेस विथ इट. ठीक है, जो चेस्ट के ऊपर टावल रखा है उसको रिमूव करेंगे और पेशेंट को एक दो टावल रखे होंगे, एक टावल पेशेंट को माउथ वाइप करने के लिए देंगे या उसी से भी आप माउथ को वाइप कर सकते हैं. पोजिशन द क्लाइंट फॉर गुड बॉडी अलाइनमेंट. पेशेंट को कंफर्टेबल पोजिशन प्रोवाइड करेंगे एंड रिप्लेस द आर्टिकल. वॉश हैंड, रिकॉर्ड मेडिकेशन गिवन एंड ओमिटेड ऑन द नर्स रिकॉर्ड. ठीक है, उसके बाद उसकी रिकॉर्डिंग करेंगे, जो नर्सिस रिकॉर्ड है उसमें रिकॉर्डिंग करेंगे कि पेशेंट को मेडिकेशन दी है या ओमिट कर दी है या पेशेंट ने छोड़ दी है ना, वो रिकॉर्डिंग होनी है. क्योंकि पेशेंट का एक राइट है, राइट टू रिफ्यूज. पेशेंट अपनी मेडिकेशन को रिफ्यूज कर सकता है तो उस कंडीशन में. एंड रिटर्न टू द क्लाइंट, क्लाइंट के पास वापस आना है, चेक करना है क्लाइंट को कि कोई पेशेंट को कोई साइड इफेक्ट तो नहीं हुआ. ठीक है, कोई रिएक्शन तो नहीं हुई, अनएक्सपेक्टेड रिएक्शन, या उसके लिए चेक करना है. एंड रिटर्न द मेडिकेशन कार्ड टू द स्टोरेज एरिया. दिस इज ऑल अबाउट द टॉपिक.